अस्सलाम जी, क्या हाल है? आप लोगों को एक बात करनी थी। लेट्स सपोज आप कहीं पे भी जाते हैं, हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, सैलून में जाते हैं और वहाँ पे जाके आपका एक्सट्रीम वेलकमिंग किस्म का इस्तकबाल किया जाता है और आपको कन्विंस किया जाता है कि किसी तरह आप चेयर पे बैठ जाएं, बस कोई मसला ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी, आप सही कह रही हैं, गलत कह रही हैं, अच्छा कह रही हैं, बुरा कह रही हैं, वो चीज़ कर दी जाएगी। कोई मसला ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका कोई नेगेटिव चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। और चेयर पे बैठने के बाद आपको रियलाइज हो कि आपका जो है ना वो प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ही बढ़ गया, तो आप इस बात को समझ लें और अंडरस्टैंड कर लें कि आप रॉन्ग नंबर के पास हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो उनसी होती है, उसके हर काम करने का एक तरीका होता है, उसके पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। उसमें क्लाइंट को अगर प्रॉपर गाइड ना किया जाए तो वो बाद में तू तू मैं मैं वाली चक्कर हो जाती है। तो मैं तो भाई सीधी सी बात करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आता है, यूजुअली लोग कहते हैं जी आप इतने ज्यादा वेलकमिंग नहीं होते, तो वेलकमिंग में इसलिए तो ज्यादा वेलकमिंग में इस वजह से नहीं लगता कि मैं सीधी बात करता हूँ। मैं बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स क्लाइंट के सामने पेश कर देता हूँ कि ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें चॉइस आपकी है, आपने इस रस्ते की तरफ जाना है, आपने इस रस्ते की तरफ जाना है। डैट्स इट, डैट इज़ द ओनली रीज़न कि आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं लग रहा होता। लेकिन जो मेरे पुराने क्लाइंट हैं और स्पेशली जो मेरे दूसरी दफ़ा एक दफ़ा मेरे सैलून में आ जाएँ और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा आएँ, तो उनके साथ मैं बहुत ईजी रहता हूँ और बल्कि उनको पूरा, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो एक सही जगह पे रहे हैं। और इसके अलावा मेरे पुराने क्लाइंट जो उनसे हैं, इवन नए भी है, जो हैं वो आते हैं कहते हैं आप किसी बड़ी और प्राइम जगह पे क्यों नहीं सैलून बना लेते और ऐसे क्यों नहीं कर लेते और वैसे क्यों नहीं कर लेते। तो आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, लेकिन द पॉइंट इज कि मैं बिजनेस को, अपने बिजनेस को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जो पाकिस्तान के मौशी हालात हैं, इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कभी ऊपर है कभी डाउन है। तो मैं इतना बड़ा सेटअप करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकूंगा, क्योंकि ओवरहेड एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे, आपका सैलून बहुत बड़ा हो जाएगा, आप जो क्या कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंस, बिजली का बिल, सैलरीज, ये वो सब कुछ मिला मिलू के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी में मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा फिर, जो कि मैं किसी सूरत करना ही नहीं चाहता। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसे भी हूँ, जितना भी मेरा छोटा सैलून है या बड़ा सैलून है, मुझे इस बात से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ओपनली ये बात बता रहा हूँ।